हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ डीआरडी में। दोस्तों, आज हम आलू बीन्स की सब्ज़ी बना के तैयार करेंगे, कुछ ट्रिक के साथ कम मसाले में टेस्टी सब्ज़ी बनाएंगे। तो ये देख ही रहे हैं आप कितनी अच्छी लग रही है बनी हुई। ये कम मसाले में बनी है, बिल्कुल कम तेल में बनी है, बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होगी दोस्तों। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने एक कढ़ाई ले लिया, गैस पर रख लिया, तेल डाल लिया उसमें 1.5 चम्मच, और तेल गर्म होने के बाद उसमें एक चुटकी नमक डाल दिया। नमक डालने से सरसों के तेल की स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं आती है। और उसमें 1 चम्मच जीरा डाला और 0.5 चम्मच अजवाइन डाली है। अजवाइन हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, डाइजेशन अच्छा करती है और गैस बनती है तो गैस बनना बंद हो जाती है। तो इसलिए अगर किसी को गैस बनती है तो अजवाइन ज़रूर डाले सब्ज़ी में, आपकी गैस ख़त्म होने लग जाएगी धीरे धीरे। तो हमने प्याज भून गए थे हमारे, तो इसमें टमाटर डाल दिए हैं और 2 चम्मच पानी डाल दिया है ताकि मसाले हमारे जले ना। और उसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है, 1 चम्मच हल्दी डाला है, 1 चम्मच लाल मिर्च डाला है और 1 चम्मच आंवला पाउडर डाला है। और ये 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैं धनिया पाउडर डाल दूँगी। आप आंवला पाउडर की जगह अमचूर पाउडर डाल सकते हैं अगर अमचूर पाउडर है तो, और अगर आंवला पाउडर है तो आंवला पाउडर ज़रूर डालें। अगर आपके पास आंवला नहीं है, आंवला पाउडर नहीं है और आंवला है तो आंवले को काट के सुखा लें और उसको फिर पीस लें, ये सेहत के लिए अच्छा रहता है। तो मसाले हमारे भुन गए, तेज़ आंच पे पकाएं मसाले। जब भी कोई हम सब्ज़ी बनाते हैं, जैसे कुछ भी बनाते हैं चाइनीज वगैरह, तो तेज़ आँच पर पकाते हैं मसालों के, तो उसमें टेस्ट अच्छा आता है। तो आप तेज़ आँच पर इसके मसाले को पकाएँ और जब तक तेल ना छोड़ दे, तेल ऊपर ना आ जाए मसाले के, तब तक इसको पकाते रहे 3-4 मिनट के लिए, अच्छे से पकाएं और फिर उसमें सब्ज़ी डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी का दोस्तों। अलग अलग ट्रिक होती हैं सबकी बनाने की, तो मेरी ट्रिक से बना के देखना, बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होगी। देखिए हमारी सब्ज़ी, मैंने 2-3 बार इसको चला लिया था बीच बीच में, और देखिए बिल्कुल बिना पानी के सूखी सब्ज़ी बनी है। और ये ऐसी सब्ज़ी बनेगी कि दही की भी ज़रूरत नहीं है इसके साथ, कहते हैं सूखी सब्ज़ी के साथ दही या लस्सी चाहिए, तो आप बहुत अच्छे से इसको ऐसे ही खा सकते हैं दोस्तों। वीडियो को पूरी देखें, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंचती रहे। ये देखिए बनके तैयार हो गया सब्ज़ी। मैंने इसमें सूखा हरा धनिया डाला है, हरे धनिया को सुखा के रख रखा है मैंने, तो वही मैं डालती हूँ इसमें अगर हरा धनिया ना मिले तो। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप हरा धनिया डालें, और गर्म मसाला वगैरह जो भी आप इसमें डालना चाहें वो डाल सकते हैं, लेकिन ना भी डालेंगे तो भी ऐसे ही बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होगी। आप एक बार ज़रूर बनाना ऐसे मेरी ट्रिक से, तो कम मसाले में हेल्दी और टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी दोस्तों, आपकी भी मेरी तरह। तो एक बार बनाना ज़रूर और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी हेल्दी और टेस्टी वीडियो मिलती रहेंगी आपको। बाय दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।